الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मैं तैयबा आज आपकी मेज़बान आईआरओ की जानिब से आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने सेहत व ईमान की बेहतरीन हालों में होंगी इंशाअल्लाह। और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह सुब्हानहु तआला से कि वो आप सबको बेहतरीन हालों में ही रखे इंशाअल्लाह। और यहाँ पर गुज़रने वाला एक एक लम्हा बाएज़े अजर साबित हो इंशाअल्लाह। सो माई बिलवड लेडीज़, जिस ख़ास मकसद के लिए हम सब यहाँ पर गैदर हुए हैं, आइए उसकी शुरुआत उस अजीम किताब की तिलावत से करते हैं जो अल फुरक़ान है, जो हक़ और बातिल को अलग अलग करने वाली है, जो हलाल और हराम को खोल खोल कर बयान करने वाली है, जिसकी तिलावत ना सिर्फ बाएज़े बरकत है बल्कि उस पर अमल जन्नत की खुशखबरियां भी सुनाता है। और उस किताब यानी क़ुरान को हम सब खूब तरीके से जानते पहचानते हैं, जिसकी तिलावत के लिए मैं इनवाइट करना चाहूँगी हमारी डियर सिस्टर असमा परवीन को, जो कि आईआरओ की सीनियर मेंबर भी हैं और एक होम मेकर भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और वक्तन फ़ावक्तन दीन की खिदमत के लिए इस प्लेटफॉर्म पर हाजिर रहती हैं, सिस्टर असमा परवीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات كلوا طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم। قرآن کریم کی جو آیات ابھی آپ نے سماعت فرمائی وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 172 اور 173 کی تھی، جس کا اردو ترجمہ ہے پناہ چاہتی ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور وہ ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا سسٹر۔
बहुत खूब माशाल्लाह मोहतरमा। अल्लाह सुब्हान व तआला आपकी आखिरत के हुस्न में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और रोज़े आखिरत इस कुरान को आपकी शफात का ज़रिया बनाए, आमीन। मेरी प्यारी बहनों, अल्लाह सुब्हान व तआला ने इस कुरान को हमारी तमाम ज़िंदगी के लिए काफ़ी कर दिया है और इसी कुरान में अल्लाह सुब्हान व तआला फरमाते हैं सूरह आल इमरान में कि तुम में एक ऐसी जमात होनी ही चाहिए जो अच्छाई की तरफ बुलाए और बुराई से रोके, और फ़कत इसी ज़िम्मेदारी के तहत हमारी तंजीम IRO यानी इस्लामिक एजुकेशनल एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया, जो मुसलसल कौम की इस्लाह के लिए स्ट्राइव कर रही है और ख़ास ख़वातीन के लिए वीकली दरस कुरान, दरस हदीस, इस तरीके से मंथली प्रोग्राम या सेमिनार, ईयरली तरबियतुल बनात क्लासेस ऑर्गेनाइज करती रहती है और हमारे कौम की, हमारे माशरे की ख़वातीन इससे मुस्तफ़ीद हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के दीन को दुनिया के हर गोशे में पहुंचाने के लिए YouTube पर वीडियोस भी अपलोड करी जाती हैं जिसे आप तकवा एंड IRO या असमा शम्स चैनल पर बासानी देख सकते हैं। तो चलिए, आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए लौटते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, आज के प्रोग्राम की तरफ जिसका मौजू है हलाल व हराम, अहमियत और खबासत। आज से लगभग 1450 साल पहले ही अल्लाह सुब्हान व तआला ने बता दिया क्या हलाल है क्या हराम है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है हलाल चीज़ों की तरजीहात और हराम चीज़ों से बचना मुश्किल ही होता जा रहा है। ऐसे मुश्किल दौर में रिमाइंडर्स लेते रहना और रिमाइंडर्स देते रहना हमारी ज़रूरियात में से एक हो गया है और नसीहतें कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर पहुंचाती हैं, और इसी प्रैक्टिकल मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी दो स्पीकर्स, सिस्टर नजमा अली एंड सिस्टर अरहमा जावेद। हमारी फ़र्स्ट स्पीकर हैं सिस्टर अरहमा जावेद, और ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी का एहसास हो रहा है कि सिस्टर अरहमा जावेद तकवा पब्लिक स्कूल की ही स्टूडेंट रह चुकी हैं और बहुत टैलेंटेड अल्हम्दुलिल्लाह ऑलराउंडर स्टूडेंट रह चुकी हैं और इस टाइम वो शुआट से ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हैं और स्कूलिंग के टाइम से ही दीन की खिदमत में लगी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्ला, और इसी प्लेटफॉर्म पर आप उनको कई बार पहले भी सुन चुके हैं। इस छोटी सी उम्र में दीन का ये जज्बा आप में देखते ही बनता है। ज़्यादा देर ना करते हुए मैं इनवाइट करती हूँ सिस्टर अरहमा जावेद को। सिस्टर अरहमा जावेद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि यकुस्सुल हक्कु व हुवा खैरुल फासिलीन رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي عزيزي سامعات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کے اس سیمینار کا موضوع ہے حلال و حرام اہمیت و خباثت اور آج کی میری گفتگو مبنی ہوگی حلال و حرام کے معنی پر ये दुनिया हमारे लिए दार इम्तिहान है और अल्लाह ने इतनी वसीय खूबसूरत और हसीन दुनिया इसलिए बनाई है कि औलाद आदम की साबित कदमी और इस्तिकामत का इम्तिहान हो। इस दारुल इम्तिहान में नफ्स की आजमाइश के लिए इतने सामान रख दिए गए हैं कि उनका हिसाब और शुमार मुमकिन ही नहीं। इसके साथ ही अल्लाह ताला ने अपने पैगंबरों और रसूलों के ज़रिए इंसानियत को इससे भी आगाह कर दिया कि वो किन आमाल से खुश होता है और किन आमाल से नाराज़। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हज़ारों नबी और रसूल आए और उन्होंने राह हक़ की तरफ रहनुमाई की और ज़लालत और शैतानियत की राह से रोका। इसी के साथ हलाल व हराम, जायज़ ना जायज़, सही गलत में इम्तियाज़ करना सिखाया। सिरात मुस्तकीम इख्तियार करने पर बशारत दी और इस राह हक से दूर होने पर जहन्नुम की वईद सुनाई। ये मौजूदा दौर मादी दौर है, रूहानियत
गायब है। लोगों में अकायद की पुख्तगी, मामलात की सफाई और अखलाक व अमाल की पाकीज़गी नापैद हुई जा रही है। दूसरी तरफ खुदा बेजारी का फितना पूरे उरूज पर है। इसीलिए ज़रूरी है कि दीनी मसाइल की अहमियत पर तवज्जह दी जाए और हराम व हलाल को बयान किया जाए, ताकि ये मसाइल मुसलमानों की निगाहों से ओझल ना रहें, क्योंकि मुसलमानों की ज़िंदगी तो हर हाल में उनके खालिक के हुक्म के मुताबिक ही होनी चाहिए। या यूँ कहें कि हर एक हुक्म तो सिर्फ़ अल्लाह का ही चलेगा और किसी का भी नहीं। सूरह अनआम की आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाही यकुस्सुल हक्कु व हुवा खैरुल फासिलीन। हुक्म किसी का नहीं बजुस अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला वाकई बात को बतला देता है और सबसे अच्छा फ़ैसला करने वाला वही है। तो आइए अब हम ये जान लें कि लफ्ज़ हलाल क्या है और लफ्ज़ हराम का क्या माना है। सबसे पहले बात करते हैं हलाल की। शरीयत में हलाल वो है जिसे अल्लाह की किताब और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यानी सही अहादीस में बताया गया है, जिसकी हिल्लत अल्लाह की तरफ से साबित है, जिसकी इजाज़त अल्लाह ने दी है। यानी हर वो चीज़ जो पाक है और जायज़ है वो हलाल है। और ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक महदूद नहीं, बल्कि ये शर्त हर एक मुसलमान के ज़िंदगी के तमाम पहलुओं पर भी नाफिज़ होती है। आइए अब बात करते हैं हराम की। हराम वो है जो हलाल के मुखालिफ हो। हराम के लुगवी माना रोकने के हैं। ये अरबी लफ्ज़ हरम से आया है। इमाम रागिब कहते हैं, हराम वो है जिसे मना किया गया हो। और ये भी सिर्फ खाने पीने की चीज़ों से मुतालिक नहीं यानी वो बातें जो करने की हैं और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हैं वो हलाल हैं, और जो बातें बचने की हैं और अल्लाह उनसे मना फरमाता है वो हराम है। तो अब जब आप लफ्ज़ हराम समझ गए हैं तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ शराइत से आपको और वाकिफ़ करा दिया जाए, जिसे लेकर अक्सर लोगों में उलझाव रहता है और लोग इसके मुतालिक काफ़ी सवाल भी करते हैं। सबसे पहला उलझाव है मस्जिद हराम। लोगों का अक्सर सवाल होता है कि मस्जिद के साथ हराम लफ्ज़ क्यों आया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ताला ने ख़ुद ये लफ्ज़ काबा के अतराफ़ की मस्जिद के लिए क़ुरान में फ़रमाया है, और एक दो बार नहीं बल्कि पूरे 15 बार ये लफ्ज़ क़ुरान में आया है। कोई चीज़ हराम होती है अपनी इज़्ज़त या अपनी हुरमत की वजह से, और मस्जिद हराम इज़्ज़त वाली जगह भी है और हुरमत वाली भी। फतह मक्का के बाद से यहाँ पर किसी को मारना या तकलीफ़ देना मना है, यहाँ तक कि किसी जानवर को या किसी परिंदे को भी या किसी पेड़ पौधे को भी नुकसान पहुँचाना मना है। यहाँ हराम बहमाना मुहतरम भी है, यानी ये जगह अजमत वाली, इज़्ज़त वाली, एहतराम वाली है, जहाँ पर इजाफ़ी पाबंदियाँ भी हैं। ऐसे ही एहराम भी इसी हरम से आया है, यानी एहराम पहनने के बाद बहुत सी हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं। यानी वो अमल जो जायज़ है वो भी हालत एहराम में हराम हो जाते हैं, मना हो जाते हैं। जैसे शौहर का बीवी से ताल्लुक़ कायम करना, खुशबू लगाना, शिकार करना वगैरह। और ऐसे ही चार हुरमत वाले महीने भी हैं जिनका ज़िक्र क़ुरान में मिलता है। सूरह तौबा में अल्लाह ने चार महीनों को हुरमत वाले महीने कहा है, ज़ुल्क़ादा, ज़ुल्हिज्जा, मुहर्रम और रज्जब। ये चार महीने हुरमत वाले, इज़्ज़त वाले और काबिल एहतराम हैं। इन महीनों में मुशरिक भी जंग व क़िताल नहीं किया करते थे, और बाद में मुसलमानों के लिए भी यही क़ैद थी। और ऐसे ही लफ्ज़ महरम है। महरम वो रिश्ते होते हैं जिनसे निकाह कभी भी किसी भी हाल में जायज़ नहीं होता, और नामहरम वो रिश्ते हैं जिनसे निकाह जायज़ होता है। और हम ख़वातीन को तो बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए इन महरम और नामहरम रिश्तों के बारे में, और इस बात का हमें
बहुत ख्याल करना चाहिए कि इस मामले में हमसे ज़रा भी लापरवाही ना हो। अल्लाह ताला ने क़ुरान में हलाल हराम की निशानदेही की है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको मज़ीद तफसील से बयान फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम और फुकहा ने इस मसले को समझाया ताकि उम्मत को सही इल्म हो सके और शैतान का लश्कर उसको राह रास्त से दूर करने में कामयाब ना हो सके। हराम व हलाल का ताल्लुक इंसानी माशरे से हो या आइली ज़िंदगी से, खाने पीने से हो, कसब माश से हो या ज़िंदगी के दूसरे शोबे जात से, कोई गोशा ऐसा नहीं है जिस पर रोशनी न डाली गई हो। हलाल व हराम दोनों मसाइल क़ुरान में बयान हुए हैं। मसलन सूरह बकरा की आयत नंबर 172 और 173 में हलाल और हराम खाने की अशिया का ज़िक्र है। सूरह बकरा की आयत नंबर 172 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कुलू मिन तय्यिबाती मा रज़क़नाकुम वश्कुरुलिल्लाह। ऐ ईमान वालो, हमारी दी हुई पाकीज़ा चीज़ों को खाओ पियो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। और आयत नंबर 173 में फरमाते हैं, इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। तुम पर मुर्दा और खून और सुअर का गोश्त और हर वो चीज़ जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरों का नाम पुकारा गया हो हराम है। सूरह माईदा की आयत नंबर 4 और 5 में हराम खानों का ज़िक्र है। सूरह निसा की आयत नंबर 3 में निकाह के बारे में इरशाद हुआ है और इसी सूरह की आयत नंबर 2 और 6 में गैरों का बिलखसूस यतीमों का माल और नाजायज़ तौर पर खाने से मना किया गया है। सूरह हुजुरात की आयत नंबर 11 और 12 में गिबत करने, दूसरों पर ऐब लगाने, उनका मजाक बनाने, ज़्यादा गुमान करने और तजस्सुस करने से मना किया गया है। सूरह मुतफ़िफ़ीन की आयत नंबर 1 और 3 में नापतौल में कमी करने वालों को ख़बरदार किया गया है। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 32 में ज़िना से मना किया गया है। सूरह माईदा की आयत नंबर 90 में शराब, जुवा और फाल निकालने से मना किया गया है और इसी तरह दीगर मकामात पर दीगर चीज़ों की हिल्लत भी बयान की गई है। अहदीस नबवी में ज़्यादा सराहत है और बहुत चीज़ों की हिल्लत व हुरमत को बताया गया है। इस तरह पता चला कि हलाल व हराम का ज़िक्र क़ुरान और अहदीस में सराहत के साथ मौजूद है, जिसे देख कर ही बाद के फुकहा ने तमाम अहकाम व मसाइल को जमा किया जो आज फ़िक्ह व फतावा की किताबों की सूरत में उम्मत में पाई जाती हैं और उलमा उन्हीं किताबों से हलाल व हराम का फतवा देते हैं। सही बुखारी की हदीस नंबर 2059 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इंसान बिल्कुल परवाह नहीं करेगा कि उसने जो हासिल किया है वो हलाल से है या हराम से है। और आज हम देख रहे हैं कि हम हलाल, हराम, जायज़, नाजायज़, सही गलत के फ़र्क को भुला बैठे हैं। ये बात ज़हन नशी रखी जाए कि हराम ग़िज़ा से जो गोश्त और खून तैयार होता है वो हमें नेकी के काम से रोकता है और बुराई की तरगीब देता है। मिश्कात के सफ़ा नंबर 243 पर दर्ज है, जिसमें रावी हैं अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जिस्म की परवरिश हराम ग़िज़ा से हुई होगी वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो क्या हम अब भी हराम और नाजायज़ की राह को नहीं छोड़ेंगे? अल्लाह ताला ने चंद चीज़ों को छोड़कर दुनिया की तमाम नेमतें इंसानों के लिए हलाल कर दी हैं। मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस नंबर 7115 में, जिसमें रावी हैं सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने जिसको अपनी किताब में हलाल ठहराया है वो हलाल है और जिसको हराम ठहराया है वो हराम है और जिन चीज़ों के बारे में सुकूत अख्तियार किया है वो माफ़ है। लिहाजा अल्लाह ताला की इस फयाजी को कबूल करो, क्योंकि अल्लाह ताला से भूल चूक का सुदूर नहीं होता। लिहाजा दुनिया के किसी इंसान को ये इख्तियार नहीं है कि अल्लाह के कानून को बदले और हराम को हलाल या हलाल को हराम ठहराए।
मुस्नद अहमद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ऐसे दीन के साथ भेजा गया हूँ जो हनीफ भी है और कुशादा भी। यानी ये दीन अकीदा तौहीद के मामले में हनीफ है, यानी बिल्कुल यकसू। इबादत बस अल्लाह की होगी और सिर्फ़ क़ुरान और सुन्नत के मुताबिक। अल्लाह ताला ने सूरा आराफ़ की आयत नंबर 32 में फरमाया, कहो कि आखिर किसने हराम ठहराया है अल्लाह की उस जीनत को जो उसने अपने बंदों के लिए हलाल कर दी है और रिस्क की पाकीज़ा चीज़ों को। अल्लाह ताला हमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो हमारे लिए सिर्फ आसानियाँ और बेहतरी चाहता है। इसीलिए दीन इस्लाम की तालीमात इंतहाई सादा, आसान और फितरत के ऐन मुताबिक हैं। असल में इस्लाम एक मुस्तकिल निज़ाम हयात का नाम है। हम पर लाजिम है कि हम इस इस्लामी निज़ाम हयात को अपनाएं, इस इस्लामी निज़ाम हयात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम इल्म हासिल करें और ज़िंदगी के हर शोबे में हलाल को अपनाएं और हराम से दूर रहें। मैं अपनी बात को इस दुआ के साथ ख़त्म करती हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया वरिस्कन तय्यिबा वअमलन मुतकब्बला। ए अल्लाह, बेशक मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म का सवाल करती हूँ और पाकीज़ा रिज्क का और ऐसे अमल का जो कबूल हो। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जज़ाकिल्लाहु खैरन कथीरा सिस्टर। मे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ग्रांट यू सक्सेस इन बोथ द वर्ल्ड्स इन माय डियर सिस्टर। वाकईतन जिस हुस्न अंदाज से आपने हलाल और हराम का माना समझाया, उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को हलाल और हराम का माना ज़हन-नशीं हो गया होगा इंशाअल्लाह। खैर, ये तो था हलाल और हराम का माना। अब बारी है ये जानने की कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने जो चीज़ हम पर हलाल करी है उसके क्या फ़ायदे हैं, वो क्यों हलाल है, और जो चीज़ हम पर हराम की गई वो क्यों हराम की गई, उसके क्या नुकसानात है। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी नेक्स्ट स्पीकर सिस्टर नजमा अली। सिस्टर नजमा अली आईआरओ की कोर ग्रुप मेंबर होने के साथ साथ आईआरओ की हदीस इंचार्ज भी हैं और माशाल्लाह पोस्ट ग्रेजुएट होने के साथ साथ एक होम मेकर भी हैं। अपनी तमाम मसरूफियात के बावजूद दीन की खिदमत में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और हमारे लिए इंस्पिरेशन की एक उम्दा मिसाल हैं। सिस्टर नजमा अली। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन खातिमन नबीयीन व अला आलिही व असहाबिही अजमाईन। वऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين। प्यारे बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि आप सबके इल्म में आ चुका है, आज के लेक्चर का टॉपिक है हलाल व हराम, अहमियत और खबासत। और माशाअल्लाह हमारी बेटी अरहमा ने आपको बहुत अच्छी तरह हलाल व हराम के बारे में समझाया कि हलाल व हराम की क्या मीनिंग है, और कुरान और हदीस में अल्लाह ताला की तरफ से, कुरान में और हदीस में अलग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरफ से किन किन चीज़ों के लिए ममानियत आई है और क्या चीज़ें हम पर हमारे लिए हलाल की गई, यानी हलाल क्या है और हराम क्या है। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को इस्लाम की दौलत से मालामाल किया और हमें, हम पर सबसे बड़ा एहसान ये किया अल्लाह ताला ने कि हमको उम्मत मुस्लिमा में पैदा किया, और हम मुसलमान होने पर फ़ख्र भी करते हैं। तो जब हम मुशर्रफ़ इस्लाम होने पर फ़ख्र करते हैं तो हम पर ये लाजिम है कि हम इस्लाम की तमाम शरायत और अहकाम को बिल्कुल उसी तरह माने, यानी उसकी पाबंदी उसी तरह करें जिस तरह से हमको इसकी इजाज़त दी गई है या हमें हुक्म दिया गया है। इस्लाम एक दीन फितरत है,
जो तमाम इंसानों को उन्हीं चीज़ों का हुक्म देता है, यानी उन चीज़ों को हलाल किया है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, और उन चीज़ों को हम पर हराम किया है जो हमारे लिए नुकसानदेह है। और इस्लाम ऐसा नहीं है कि इंसानों को या तो बिल्कुल ही हर चीज़ से उस पर हराम, तमाम चीज़ें उस पर हराम कर दे, और ना ही ऐसा है कि तमाम हुदूद व क़ुयूद से उसको आज़ाद कर दे कि जैसे चाहे ज़िंदगी गुजारें, बल्कि इस्लाम हलाल व हराम, जायज़ नाजायज़, सही गलत की कुछ कवायद व ज़वाबित मुकर्रर करता है, जिसको हम कुरान और सुन्नत के ज़रिए से बआसानी अख़्ज़ कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं हलाल व हराम क्या है। जैसा कि अरहमा ने बताया आपको, सिस्टर अरहमा ने, कि हलाल का क्या माना है। हलाल का मतलब है वो चीज़ें जो शरीयत ने, जिसकी हमें इजाज़त दी है, वो हमारे लिए हलाल है, और हराम वो चीज़ें हैं जिसको शरीयत ने हमको जिस चीज़ से रोका है और जिसका इर्तिकाब करने वाला सज़ा का मुस्तहक होता है। और कुछ सज़ाएं दुनिया में भी मुकर्रर की जाती हैं, जैसे कत्ल, ज़िना, चोरी, धोखा, इनकी सज़ा दुनिया में भी दी जाती है। एक टर्म आप और सुनते होंगे इसके अलावा, मकरूह की। मकरूह वो चीज़ें हैं जिसके लिए हमें सख्ती से मना तो नहीं किया गया है, लेकिन रोका तो गया है, और जिसका इर्तिकाब करने वाला उस सज़ा का मुस्तहक नहीं होता जिस सज़ा का मुस्तहक हराम का इर्तिकाब करने वाला होता है। जैसे पान, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट वग़ैरह, अगर एक दो मरतबा किसी ने ले लिया तो हराम के ज़मुर्रे में दाखिल नहीं होता, लेकिन मुसलसल मकरूह की, इन चीज़ों की खिलाफ वर्जी करने से वो हराम में दाखिल हो जाता है। क्योंकि आज हम उसका नतीजा ये देख रहे हैं कि जो लोग मुसलसल इसका इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं बीमारी का शिकार हो जाते हैं, और एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी, जिसको कैंसर कहते हैं, माउथ कैंसर से लोग उससे वो माउथ कैंसर उनको हो जाता है, और फिर वो हलाकत में उनकी जान पड़ जाती है। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बार बार अपनी जान को बचाने का हुक्म दिया है कि अपने आप को हलाकत में ना डालो, अपनी जान की हिफाजत करो, अल्लाह तुम पर मेहरबान है। तो आइए अब हम जानते हैं कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें हलाल हैं और क्या क्या हराम हैं। इसको समझने के लिए हम आज जो हमारा मौजू है वो हराम पर है, यानी हराम खोरी पर। अब हराम को हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है हराम खोरी और एक है हराम कारी। हराम खोरी का मतलब है हराम फूड, और हराम कारी यानी अपने आमाल व अतवार के ज़रिए अगर हम कुछ ऐसा अमल करते हैं जो मना है तो वो हराम के ज़मुर्रे में आता है, जैसे शिर्क, कत्ल, ज़िना, चोरी, धोखा, जादू टोना करना, फाल निकालना, मुल्क में फसाद फैलाना, उसके अलावा मुसव्विरी करना, बुत बनाना, और कुछ ऐसी छोटी चीज़ें जिनको हम छोटा समझते हैं लेकिन वो भी हराम हैं, जैसे मर्दों को औरतों की मुशाबहत करना, औरतों को मर्दों की मुशाबहत करना, अल्लाह की तख्लीक में कुछ कमी या बेशी कराना, यानी अल्लाह की तख्लीक में तब्दीली करना, ये सब हराम काम में दाखिल है। लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो हराम खोरी से मुतालिक है। तो हराम खोरी को भी हम दो हिस्सों में तकसीम करेंगे, एक है हराम खोरी यानी हराम खाना या हराम फूड प्रोडक्ट्स, हराम खाने की चीज़ें, और दूसरा है हराम तरीक़े से कमा कर खाना। अब हराम खाने के सिलसिले में जब हम कुरान देखते हैं तो जैसे अभी हमारी सिस्टर ने आपको बताया कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में
कई जगह बता फरमाया, बल्कि चार जगह हराम खोरी के बारे में आया है कि चार चीज़ें तुम पर हराम की गई हैं, मुर्दार, सुअर का गोश्त, बहता हुआ खून, और वो खाना जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। सूरह नाम में अल्लाह ताला ने वाज़े बयान किया आया नंबर 145 में कि कहो जो वही हम पर आती है उसमें तो मैं कोई ऐसी चीज़ हराम नहीं पाता हर खाने वाले पर जिसमें सिवाय मुर्दार सुअर का गोश्त, मुर्दार बहता हुआ खून, सुअर का गोश्त और वो खाना जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने इन चारों जगह, यानी ये चार जगह ये आयात आई हैं, सूरह बकरा आया नंबर 172-173, सूरह मायदा आया नंबर 3 और सूरह अनआम आया नंबर 145 और सूरह नहल आया नंबर 115। इन चारों जगह इन चारों चीज़ों का खाने का ज़िक्र हुआ है जो तुम जो हराम की गई हैं। उसके अलावा अल्लाह ताला ने फौरन ही ये बयान किया कि तुम पर जब तुम मजबूर हो जाओ, फ़मन इस्तुर गैर बागिम वल आदिन फला इस्मा अलैहि इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, जब तुम मजबूर हो जाओ यानी जान का ख़तरा लाहक हो जाए तो इसमें से कुछ खा सकते हो, बस उतना जितना जान बचाने के लिए काफ़ी हो। ना उसमें इंसान ये सोचे कि आज मौका मिला है तो चलो कुछ खा ही लें, अच्छी तरह खा लें पी लें, और ना ही ऐसा सोचना है कि हमें बगावत करना है बागी होने के इरादे से, हम आज खा ही लें मौका मिल गया है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि बस उतना खा लो जितने में तुम्हारी जान बच जाए। अब सोचने की बात यह है कि जान की कितनी कीमत है कि अल्लाह ताला ने हराम करदा चीज़ को उस कंडीशन में भी हलाल कर दिया जब इंसान की जान जा रही हो और जान को बचाने के लिए फिर कुछ हलुक में वो हराम के खा सकता है। बहरहाल अब हमें यह देखना है कि हम पर जो मुर्दार यानी खाने की चीज़ों में मुर्दार और बहता हुआ खून मना किया गया है और सुअर का गोश्त, तो उसकी क्या वजहें हैं। हम बहुत शॉर्ट में बताएंगे इंशाल्लाह, और ये वजह साइंस के ज़रिए आज सबको सब पर आया है कि हमें क्यों मना है। मुर्दार तो असल में यही है कि उससे इंसान नफ़रत ही करता है, ज़बह शुदा यानी जिसको इंसान अपने हाथ से किसी भी तरह वो जिसका जो अकीदा होता है उस हिसाब से वो ज़बह करता है, लेकिन ज़बह शुदा जानवर ही पसंद करता है खाना, मुर्दा जानवर इंसान उससे मुर्दा से नफ़रत करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो मुर्दार होता है वो पता नहीं कैसे मरा हो, यानी हो सकता है कोई जहरीली चीज़ खाकर मर गया हो या किसी बीमारी से मर गया हो और इंसान मुर्दार खा ले तो फिर वो नुकसान में पड़ जाए। अभी इस बात को मुसलसल आप अपने जहन में रखिएगा कि जो चीज़ें हराम हैं वो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, इसलिए अल्लाह ने हमें रोका है। तो अब देखिए मुर्दार का क्या है कि जो उसमें नुकसान बहुत है। तीसरी चीज़ ये है मुर्दार में कि जो ब्लड होता है, खून होता है जिसमें बहुत जरासीम होते हैं जो इंसान को नुकसान पहुंचा सकता है, वो खून मुर्दार में उसकी रगों में रुक जाता है और जब इंसान वो खाएगा तो जाहिर सी बात है वो उसको नुकसान पहुंचाएगा, तो इसलिए अल्लाह ताला ने उसको मना कर दिया। समंदर का मुर्दार हलाल है। जो जानवर पानी में ही ज़िंदा रहता है, पानी से बाहर आकर वो अगर मर जाता है तो वो हलाल है। उसकी वजह जब वो जानवर मरता है यानी मछली जो पानी में ज़िंदा रहती है बाहर आकर जब वो मरती है तो उसका सारा ब्लड उसकी गिल्स में जाके जमा हो जाता है और उसका गोश्त खून से पाक हो जाता है, तो वो बजाय नुकसान के फ़ायदेमंद रहता है हमारे लिए और वो अल्लाह ने हमारे लिए जायज़ रखा है यानी वो हलाल है। तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्योंकि अल्लाह ने हमें भी बनाया, पूरी दुनिया को अल्लाह ने बनाया है, जानवर को भी, सारी चीज़ों को, अल्लाह बेहतर जानता है हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद है और क्या नुकसानदेह है। तो अल्लाह ताला ने हम पर जो चीज़ें हराम की हैं उसे हमें बहुत सख्ती से यानी हमको बचना ही बचना है। अब दूसरी चीज़ है वही बहता हुआ खून, जाहिर सी बात है खून में जरासीम होते हैं तो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह हैं, वो भी हराम है। तीसरी चीज़ है सुअर का गोश्त, सुअर ऐसा जानवर है खिंजीर जो नजिस होता है, नजासत उसकी ग़िज़ा है,
और आज साइंस ने ये बात भी साबित कर दी है कि उसके गोश्त में कोई ऐसे कीड़े पाए जाते हैं जो इंसान के पेट में जाने के बाद बुरा असर डालते हैं और बीमार भी करते हैं। और चूंकि ये बेहया जानवर होता है तो उसको खाने की वजह से जो लोग इसको खाते हैं वो भी बेहया होते हैं, और आप देख लीजिए जो लोग खाते हैं वो कैसे होते हैं। तो अल्लाह ने उस चीज़ को से हम लोगों को रोक दिया। और आखिरी है कि वो खाना जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। इस तहरीम का सबब जो है वो दीनी है। इसकी इससे मकसूद जो है तौहीद का तहफ्फुज़ है और अकायद की तत्हीर है, यानी हम शिर्क बुत परस्ती से महफूज रहें। चूँकि अल्लाह की मखलूक को हम अल्लाह की इजाज़त से ज़बह करते हैं, अल्लाह ने हमें इजाज़त दी है कि तुम इसको काटो, इसको ज़बह करो और खाओ, तो फिर हक़ है उस पर कि हम अल्लाह का ही नाम लेकर ज़बह भी करें। अगर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया जाता है तो यकीनन हम उस इजाज़त को जो अल्लाह ने हमें दिया है उसको हम बातिल कर देते हैं। यानी ये अल्लाह की मखलूक को अल्लाह के नाम से ना ज़बह करके किसी और के नाम से ज़बह कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने अपनी तरफ से फिर उसके लिए उस चीज़ को हराम कर दिया कि जिस पर अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है। अब उससे वो इंसान फ़ायदा नहीं उठा सकता क्योंकि वो अल्लाह की इजाज़त से करना था और अल्लाह की इजाज़त को उसने बातिल कर दिया, यानी झूठा करार दे दिया, किसी और के नाम का कर दिया। तो अब वो इंसान इस बात का मुस्तहक हो गया कि अब उसको उससे महरूम कर दिया जाए, उसके फ़ायदे से महरूम कर दिया जाए, और ऐसा करने वाला शिर्क का मुर्तकिब हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमारे जो नुकसान के लिए थी उन सब चीज़ों को हम पर हराम कर दिया। अब देखा जाए तो अल्लाह ताला ने बहुत थोड़ी चीज़ें हम पर हराम की हैं, ज़्यादातर चीज़ें हलाल हैं। फल, तमाम तरह की सब्ज़ियाँ और पीने की चीज़ों में सिर्फ एक शराब मना है, हराम है। बाकी पानी, तमाम तरह के शरबत, जूस, शहद और दूध, ये सब चीज़ें हलाल हैं और कितनी खुशगवार चीज़ें हैं, सब फ़ायदेमंद चीज़ें हैं। और ज़्यादातर सारी चीज़ें हमारे लिए हलाल हैं, बस एक हराम है शराब पीने में। तो हमारा अब मकसद क्या है कि अल्लाह की रज़ा चाहिए तो हम हराम से महफूज रहें। अब ये जो शराब है इसकी तबाहियाँ, यानी इसकी वजह से तमाम माशरे में कितनी तबाहियाँ आती हैं, कितने ही नुकसान हम देख रहे हैं रोज़ाना, कितनी ही औरतों और लड़कियों को अपनी इज्जतें नीलाम करनी पड़ जाती हैं इसी शराब की वजह से। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कोलकाता वाला केस, डॉक्टर के साथ क्या हुआ था सिर्फ शराब की वजह से। दुनिया में 70% एक्सीडेंट सिर्फ शराब की वजह से होते हैं रोड पर। और आप हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पता कीजिए, 60-70% लोगों की जानें जो जाती हैं वो शराब की वजह से जाती हैं। और ख़ानदान में कितनी तबाहियाँ लेकर आती है ये शराब। जिस घर का मर्द शराब पी रहा होता है उस घर के बच्चे और उनकी औरतें किस अज़ियत और मुसीबत से गुज़रती हैं, ये सब हम लोगों की नॉलेज में है। तो अल्लाह ताला ने इस ऐसी चीज़ को जो तमाम बुराइयों की जड़ है उसकी जड़ को ही काट दिया और उसको बिल्कुल हम पर हराम कर दिया। अब ये थी खाने पीने की चीज़ें। अब दूसरी तरफ हम आते हैं हराम तरीके से कमा कर खाना। अल्लाह ताला ने हम पर वो तिजारत हलाल की है जिसमें हम दूसरे से जब सौदा करें या तिजारत करें तो उसमें एक दूसरे की रज़ामंदी शामिल होना ज़रूरी है, फिर दोनों का फ़ायदा होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, यानी किसी एक की रज़ामंदी और एक की नाराज़गी है या एक को नुकसान दूसरे को फ़ायदा हो रहा है, तो ऐसी तिजारत हराम है। और दूसरी चीज़ यह है कि तिजारत का हर वो सामान जो खाने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए हराम है उसकी तिजारत भी हराम है। जैसे शराब पीना हराम है तो किसी भी तरह हम शराब की तिजारत में मुलव्विस नहीं हो सकते।
इब्न माजा की हदीस है 3380, इसका नंबर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 तरह के लोगों पर शराब के मामले में लानत फरमाई है। पहला है खुद शराब पर, दूसरा शराब निचोड़ने वाले, निचुड़वाने वाले, खरीदने वाले, बेचने वाले, शराब उठाने वाले जिसके पास उठाकर ले जाई जाए, शराब पीने वाले, पिलाने वाले और उसकी कीमत खा जाने वाले। यानी 10 तरह के लोगों पर शराब के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिर्मिज़ी की हदीस है 2801, इसका नंबर है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अगर जो लोग अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं उन्हें चाहिए कि वो शराब जिस दस्तरखान पर दी जा रही है उस दस्तरखान पर वो ना बैठें। यहाँ तक कि ये फरमाया कि अगर किसी को ये पता चल जाए जो फल बेचने वाला है कि वो कोई शख्स उससे फल खरीद के उससे शराब बनाएगा तो उसके हाथ फल फरोख्त ना करे। अब सोचने की बात है कि शराब कितनी बड़ी चीज़ है जो तबाहियां लाती है। और अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि इसके फ़ायदे से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इसका नुकसान है। यानी फ़ायदा क्या है, थोड़ी सी कीमत आती है सरकार को, उसका पैसा मिलता है और बाकी लोग उससे कीमत जो खाते हैं उसके, वो थोड़ा फ़ायदा है लेकिन नुकसान कितनी दूर तक जाता है आज हम सब इससे वाकिफ़ हैं। तो अल्लाह ताला ने ऐसी चीज़ को हम पर हराम कर दिया। हर वो चीज़ जो शराब की कबील है वो भी हम पर हराम है, जैसे अफ्यून, गांजा और कोकीन वगैरह। अब वो चीज़ आ जाती है जो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हम लोगों के लिए कहा है कि अपने आप को हलाकत से बचाओ, यानी वला तुल्कु बिआइदीकुम इला तहलुका, और अपने आप को अपने हाथों हलाकत में ना डालो। अल्लाह ताला ने हमें आगाह किया कि कोई ऐसी चीज़ जो आहिस्ता आहिस्ता भी हमें हलाक कर दे, हमें उससे बचना है, यानी उसको हमें हराम के ज़मुर्रे में ही रखना पड़ेगा। जैसे बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा वगैरह, ये सब खाने से कैंसर होता है। तो अल्लाह ताला ने हमें जब रोका है कि हम अपने हाथों अपने आप को हलाकत में ना डालें तो हम इनसे भी रुकें। और इसको जो लोग बेच रहे हैं, यानी बात तिजारत की हो रही ना हराम तरीके से कमाने की, तो फिर वो क्या बेच रहे हैं? जो लोग इसकी तिजारत करते हैं, इसका बिज़नेस करते हैं, यकीनन वो बीमारियाँ बेच रहे हैं। और जिनके घरों में ये बिकता है या ये बनता है, आप उनके घर ज़रा पता करिए, वो अपने बच्चों को तो नहीं खाने देते, ये सब चीज़ें इस्तेमाल नहीं करने देते, लेकिन वो बेच रहे होते हैं। तो जो चीज़ आपके लिए मना है वो तो फिर तमाम इंसानियत के लिए मना है। एक मुसलमान ऐसा नहीं होता। एक मुसलमान जब अपना फ़ायदा जहाँ है वहाँ सबका फ़ायदा, जहाँ अपना नुकसान है वहाँ सबका नुकसान समझता है। दूसरा है सूद। सूद के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उसकी गवाही देने वाले और लिखने वाले, यानी उसके गवाह बन के जो साइन कर रहे हैं, उन सब पर बराबर की लानत फरमाई है। और कुरान मजीद में बहुत सख्त आयत है, सूरह बकरा में आयत नंबर 278 और 279 में अल्लाह ताला ने फरमाया, ईमान वालों अल्लाह से डरो और जो तुम्हारा सूद बाकी रह गया है उसको छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो खबरदार हो जाओ अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग है। यानी सूद इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से ऐलान जंग हो गया। तो अल्लाह के रसूल अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम तौबा कर लो तो ज़र्रे असर लेने का तुम्हें हक़ है, और अगर और ना तुम जुल्म करो ना तुम पर जुल्म किया जाए। अब हमारा काम यह है कि हम ये देखें कि सूद किन किन रास्तों से हमारे तक पहुंच जाता है। हमें सूद से बहुत परहेज़ करना है। हम आपको एक और हदीस सुनाते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितना ख़तरनाक है ये।
مشکات کی حدیث ہے بخاری میں، اس کا نمبر 3814 ہے۔ حضرت ابو بردا اپنے والد ابو موسیٰ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ وہ مدینے گئے اور انہوں نے کہا میں عبداللہ بن سلام سے ملا تو انہوں نے مجھے نصیحت کیا کہ بیٹا تم جس ملک میں، وہ اس ٹائم وہاں رہتے تھے ملک شام میں، تو جب وہ مدینہ آئے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بیٹا تم جس ملک میں رہتے ہو وہاں سود عام ہے، اگر تمہارا کسی پر حق ہے اور پھر وہ تمہیں، حق کا مطلب ہوتا ہے کسی کو ہم نے قرض دیا ہے اگر، تو وہ ہمارا حق ہے اور اس کا قرض ہے، جس نے لیا ہے وہ اس کا قرض ہے لیکن جو ہم نے اس کو دیا ہے وہ ہمارا حق ہے۔ وہ تو انہوں نے کہا اگر تمہارا حق کسی پر ہے وہ تمہیں گھاس کا گٹھا یا چارہ یا پھر جو، یعنی ایک دم سے، مطلب جس کو کہتے ہیں کہ بہت معمولی سی بھی چیز اگر تحفے میں دے تو مت لینا کیونکہ وہ سود ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تحفہ تو لینا دینا سنت ہے، تو جب کسی پر قرض ہے آپ کا، اور ایک حدیث اور ملتی ہے اس کے بارے میں کہ اگر کوئی تمہیں تحفہ دے تو نہ لو، اگر پہلے سے تم لوگوں میں تحفہ لینے دینے کا رواج تھا، یعنی پہلے سے جان پہچان تھی تحفہ لیتے دیتے رہتے تھے تو بات ایک الگ ہے، لیکن اگر کسی سے اتنی جان پہچان نہیں ہے یا پہلے تحفہ لینے دینے کا رواج نہیں تھا اور کسی کو قرض دیا ہے، پھر جو وہ مقروض ہے جس کے پاس قرض ہے وہ کوئی تحفہ دے رہا ہے تو وہ سود دے رہا ہے اور لینے والا سود لے رہا ہے، اتنی باریکی ہے۔ تو سود سے ہمیں کس طرح بچنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سود لینے والا دینے والا بیچ میں گواہ بننے والا سب برابر کے شریک ہیں۔ تو اب بینک کی جاب سوچیے کیا ہے، بینک میں کیا ہوتا ہے، سودی کاروبار ہوتا ہے، لوگ اس میں گواہ بنتے ہیں، سائن کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم لیتے بھی نہیں ہیں، دیتے تو ہیں چاہے اپنے کمپنی کی طرف سے دے رہے ہیں، تو بہت سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا یہ جاب حلال ہے۔ اور کچھ لوگ اپنے مکان کو کرائے پر دے دیتے ہیں اور یہ لوگ بینک والے لے لیتے ہیں اور بینک چلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کو بہت احتیاط کرنا ہے کہ کیا وہ جائز ہے کہ آپ سودی کاروبار کے لیے کسی کو کرائے پر اپنا مکان دے دیں۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو خون کی نہر میں دیکھا اور ایک شخص نہر کے باہر کھڑا تھا، اور جیسے ہی وہ نہر والا آدمی باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، یہ جو باہر پتھر لے کر کھڑا تھا اس کے سر پر پتھر دے مارتا اور وہ چیختا ہوا پھر پیچھے چلا جاتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سود خور ہے، مطلب یہ دنیا میں انسان کا خون چوستا تھا، آج اسی خون کی نہر میں غوطہ زن ہے۔ کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ جیو کی رکشا کرنے والوں سود کھانا چھوڑ دو، جیو کی رکشا کرنے والوں سود کھانا چھوڑ دو، یہ وہ سالن ہے جس میں آدمی کا خون ہے۔ رشوت کتنی عام ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سختی سے منع کیا ہے، سورہ بقرہ آیہ نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم کسی کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور حکام کو اس غرض سے نہ دو کہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو جائے اور پھر جو مال تمہیں ملے وہ تم ناحق اڑا لو۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ہم کئی بار ہوتا ہے نا، لوگ یہی کرتے ہیں کہ پیسہ دیا اور آپ نے کسی کی دکان زمین مکان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور پھر مقدمہ ہوا اور پھر اس آپ نے جج کو پیسہ دیا چپکے سے، رشوت دیا، اور پھر وہ بھی حرام اور وہ بھی حرام، یعنی رشوت دے کے مقدمہ فیصلہ اپنے حق میں کروا لیا، یا کئی بار جائز کے لیے بھی فیصلہ اپنے حق میں کرانے کے لیے بھی رشوتیں دیتے ہیں جبکہ رشوت دینا منع ہے اور حرام ہے، یہ حرام کی کمائی ہے۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں نوکری کے پیسے سے گھر کا خرچ نہیں چلتا اس لیے مجبوری میں رشوت لینا پڑتا ہے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اوپر دینا پڑتا ہے اس لیے ہم بھی لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے جس سے منع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جس سے منع کر دیا، ہم نے پہلے بتایا کہ نقصان دہ چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ اب آپ سوچئے یہ کہ اس میں دوسرا نقصان اٹھا رہا ہے۔ آج دیکھیے ہم لوگ جب اپنے جائز کام کے لیے بھی جاتے ہیں نا، جو سرکار نے ہمیں دیا ہوتا ہے
कोई भी हक सरकारी उसमें, जैसे आप मान लीजिए हम लोग पासपोर्ट के लिए ना इंक्वायरी आती है, तो जो लोग इंक्वायरी के लिए आते हैं पुलिस स्टेशन से, वो कहते हैं पहले रिश्वत दीजिए तब हम वहाँ पे आपकी वो सर्टिफिकेट देंगे कि हाँ आप के ख़िलाफ़ कोई जुर्म नहीं है या आपका आप मुजरिम नहीं हैं। और अगर उनको कुछ भी मना करो तो वो कहेंगे हम देंगे ही नहीं आपको। तो हालत ये है, जुल्म की इंतहा है। हम मुसलमान कम से कम ये ना करें, हक जिसका है उसका अदा कर दें। और गसब, गसब का नाम सुना है? किसी की ज़मीन जायदाद जुल्मन अपना लेना, उस पर कब्ज़ा कर लेना, इसको गसब कहते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सख्त बात बयान की है कि जिसने किसी की एक बालिश ज़मीन पर कब्ज़ा किया उसको सातों ज़मीनों का तौक क़यामत के दिन पहनाया जाएगा। अब आज बहुत बड़ी बड़ी ज़मीन जायदाद के जो लोग मालिक हैं, बहुत शाज़ो नादिरी कोई मिल जाए तो मिल जाए कि सारा कुछ हलाल का हो, वरना लोग 30-40 साल 50 साल से अगर किराए पे रह रहे होते हैं तो वो किराएदार खाली नहीं करते, फिर कहते हैं अब हम नहीं जाएंगे यहाँ से, अब हमारा हो गया। और या तो फिर दुकान में काम कर रहे होते हैं, बिज़नेस कर रहे हो, तो वो भी नहीं छोड़ना चाहते, कहते हैं कि नहीं अब हम कहाँ जाएँ। तो याद रखें, जिसकी मिल्कियत है माल उसी का होता है हमेशा, और उसके हकदारों का होता है, किराएदारों का नहीं होता है। तो डर जाएं अल्लाह के रसूल की सुन्नत का, और अल्लाह के रसूल ने जो हमें इसकी खबासत बताई है कि हमें कहाँ लेके जाएगी, उस बात से डर जाएं और अल्लाह से डर जाएं। मिशकात की हदीस है 2946, उसका नंबर है। हज़रत अबू हुरैरा रकाशी अपने चचा से रिवायत करते हैं कि उन्होंने कर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुन लो जुल्म ना करो, किसी मुसलमान का माल उसकी खुशी के बग़ैर हलाल नहीं। यानी अगर मुसलमान खुशी से आपको अपना माल नहीं दे रहा है और आप जुल्मन उससे ले रहे हैं या किसी भी बहाने उसको मजबूर करके ले रहे हैं तो वो हलाल नहीं है। अब ज़रा सोचिए, गौर कीजिए, कई बार लड़के वाले लड़की वालों से जुल्मन क्या करते हैं, खातिर तवाज़ो की अपील करते हैं, अच्छी खातिर होना चाहिए, जहेज़ ज़्यादा मिलना चाहिए। अब लड़की वाले नहीं भी करना चाहते हैं तो मजबूरन उनको करना पड़ता है। तो याद रखिए, अगर आप तैयार होकर बारात में जा रही हैं तो आप ज़रा होश में जाइएगा, ऐसा तो नहीं कि हम जुल्मन खाना खाने जा रहे हैं, किसी पर जुल्म करके उसका खाना खा रहे हैं। तो अल्लाह के रसूल की हदीस क्या है कि जुल्मन किसी का माल ना लो, उसकी खुशी के बग़ैर हलाल नहीं। अगर वो खुशी से नहीं आपको दावत दे रहा है या मजबूरी में आप जा रहे हैं, आपको बुला रहा है, तो वो हलाल नहीं है। इसी तरह बहुत सारी हराम तिजारत है, जैसे बूझ सलीब, शिरकी तरगीबात के सामान, मंदिरों मज़ारों के फूल, चादरें वगैरह, और कुछ वो कपड़े जो औरतों की फहाशी की वजह बनते हैं, जैसे लेगिंग्स और स्कर्ट्स वगैरह, इन सब की भी तिजारत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मना है। तो बेचना भी मना है, बनाना भी मना है। ब्यूटी पार्लर के कुछ काम ऐसे हैं जैसे आईब्रो बनवाना और अल्लाह की तख्लीक में कोई भी तब्दीली करना, वो काम भी हराम है, वो भी तिजारत में हमें नहीं करना है। और तिजारत में क्या होता है, झूठ बोला जाता है, धोखा दिया जाता है। तो धोखा देने वाले के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन गश्शना फलैसा मिन्ना, जो हमको धोखा दे या जिसने हमको धोखा दिया वो हम में से नहीं। और अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में फरमाया कि मुसलमान धोखा नहीं देता। अब जब कोई धोखा देकर अपना माल बेच रहा है तो वो सोच ले अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मुसलमान धोखा नहीं देता। इसी तरह है बकसरत कसमें खाना, यानी झूठी कसम खाने के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीन लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह क़यामत के दिन रहमत की नज़र से ना देखेगा, ना उनको गुनाहों से पाक करेगा, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। तो सहाबा किराम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह वो कौन लोग हैं, वो तो बड़े घाटे में रहे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एहसान जताने वाला, अपने अज़ार को टखनों से नीचे लटकाने वाला, ये मर्दों के लिए है,
अजार कहते हैं नीचे यानी लोअर को, जो लोअर में जैसे शलवार है जो लोग पहनते हैं, मर्द पहनते हैं पैजामा लुंगी पैंट वगैरह जो भी, वो टखने से नीचे नहीं होना चाहिए। तो अल्लाह ताला रहमत की नज़र नहीं करेगा किस पर? एहसान जताने वाले पर, अपने अजार को टखने से नीचे लटकाने वाले पर। अब जब मर्दों के लिए टखने से नीचे लटकाने वाले पर अल्लाह की रहमत नज़र नहीं करेगा, तो फिर औरतों के लिए क्या है? औरतों का पूरा जिस्म सत्र है, तो औरतों के टखने फिर बंद ही होने चाहिए। तो फिर अगर अब औरतों के टखने खुलेंगे तो वो इससे बात को समझ सकते हैं कि जब मर्दों के लिए टखने से नीचे लटकाना मना है, तो फिर औरतों को टखने से ऊपर करना मना है, यानी फिर अल्लाह उन पर अपनी रहमत की नज़र नहीं करेगा और उनको दर्दनाक अजाब है। और तीसरी बात जो है वो ये कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठी कस्में खाकर अपने सौदे को फरोख्त करने वाला। आज कितना आम है ना, लोग झूठी कसम खा खा के अपना सौदा बेचते हैं और कहते हैं नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे है ना वैसे है। बल्कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि झूठी कसम खाने से सौदा जल्दी बिक तो जाता है लेकिन बरकत ख़त्म हो जाती है। इसी तरह है नाप तौल में कमी करना। नाप तौल में कमी आम है, लेकिन अभी हमारी बेटी अरहमा ने बताया ना कि कितनी जगह अल्लाह ताला ने फरमाया है ना कि नाप तौल में कमी ना करो। नाप तौल में कमी करने पर एक कौम पर अजाब आ गया था। किसकी कौम पर अजाब आया था? कौन से पैगंबर की? शुएब अलैहिस्सलाम की। तो हमें कुरान से ही तो हिदायत मिलेगी ना। अगर हम कुरान पढ़ेंगे समझेंगे तो हमें बात समझ आएगी ना कि हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारना है। नाप तौल में जो भी कमी करता है, जो माल बचा रहा है, वो हराम है, वो हराम है। अब है कुछ हराम मुलाजमतें यानी हराम नौकरियां या सर्विसेज। अब हराम का जवाब सर्विसेज में ये है कि अगर आप किसी ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जहां पे किसी को उससे नुकसान पहुंच रहा है या फिर वो जुल्म और हराम के काम में माउन साबित हो रही है, तो वो नौकरी आपको नहीं करनी है। जैसा कि अभी हमने बताया, बैंक की जॉब है, वहाँ सूदी कारोबार है, शराब खानों में किसी भी तरह मुलाजमत नहीं कर सकते, रक्सगाहों सिनेमाघरों की मुलाजमत नहीं की जा सकती, ये सब हराम काम है। इसके अलावा जो काम जायज़ हैं, हलाल हैं, वहाँ नौकरी की जा सकती है, लेकिन वहाँ उस हाल में वो पैसा हराम हो जाता है, वो माल हराम हो जाता है, जब हम कहीं अपॉइंट हुए हैं और हमारा एक उनसे अहद हुआ है, यानी हमने उनसे एक वादा किया है कि हाँ हम इतनी देर आपके यहाँ काम करेंगे। कंपनी भाई सबके साथ एक मुआहदे के साथ ही रखती है ना, तो मुआहदे में जो टाइम हमने दिया है उस टाइम में अगर हम काम ना करके काम चोरी कर रहे हैं, वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो जो टाइम हमने वेस्ट किया वो भी उस वक्त की जो कमाई है वो हराम है, ये इस्लाम है। हर बारीकी से, इतनी बारीकी से हमें बताया गया है कि इंसाफ पे रहो, ईमानदारी से रहो, हलाल ही खाओ। यानी हम किसी को ज़र्रा बराबर भी तकलीफ दे या नुकसान पहुंचा कर माल कमा रहे हैं, वो माल हमारे लिए सरासर हराम है। अब जैसे टीचर्स हैं, गवर्नमेंट जो टीचर्स होती हैं आमतौर पर उनके बारे में यही सुनने में आता है ना, ज़्यादातर लोग, सब नहीं होते, कि वो जाती ज़रूर हैं लेकिन पढ़ाती नहीं हैं बच्चों को, बैठ करके जो है बातें करती हैं और फिर अपने घर के कुछ काम ले जाती हैं, वहाँ पर स्वेटर बुनती हैं और या कुछ और ले गई और फिर चली आती हैं, तो बच्चे जहाँ के तहाँ रह जाते हैं और इनकी पूरी तनख्वाह इनको मिलती रहती है। तो सोचने की बात है कि क्या हलाल खा रहे हैं। अच्छा, हलाल का एक, हराम का एक जवाब ये भी है कि जब आपने कहीं जॉब किया और वो हलाल भी है, आप मेहनत से भी कर रहे हैं, लेकिन आप उसके अहल नहीं थे और वहाँ पर किसी सिफारिश से आपने वहाँ जॉब ले ली, तो वो भी आपके लिए जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, क्योंकि आप उसके लायक नहीं थे। यानी जो जिस डिग्री की रिक्वायरमेंट थी वहाँ, वो डिग्री आपके पास नहीं थी,
या आप उसके काबिल नहीं थे और किसी सिफारिश से आपने उस ओहदे को हासिल कर लिया, तो उस ओहदे पर आने के बाद आप उसके साथ इंसाफ नहीं करेंगे। जैसे डॉक्टर हैं, अब डॉक्टर बन तो गए, यानी किसी सिफारिश की वजह से डॉक्टर तो बन गए, डिग्री डॉक्टर की मिल गई, लेकिन आपको वो इल्म है नहीं, आप उस लायक नहीं हैं, तो आप क्या करेंगे मरीज़ों के साथ? सब सोच सकते हैं, है ना। टीचर्स का भी मामला ऐसा ही होता है कि अगर टीचर्स कुछ किसी सिफारिश से कहीं बन जा रहा है उसके लायक नहीं है, तो फिर वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो उसका अहल था, आपने उसके ओहदे को भी, उसकी हक तलफी किया, उसका हक आपने ले लिया छीन के, और आपने वहाँ मुलाजमत की और उसका हक मार दिया, तो उसका भी गुनाह आपके सर है। तो सोचने की बात है, हलाल कमाना हलाल खाना है, तो फूक फूक के कदम मोमिन को रखना पड़ेगा। इसी तरह हमारा ज़कात का पैसा भी हमारी कमाई को, अगर हम ज़कात अदा नहीं करते, तो वो हराम कर देता है हमारे माल को, क्योंकि जो ज़कात हमें देना है और ज़कात का जिस पर हक है हम उसको नहीं दे रहे हैं, तो उसका हक मारकर हम खा रहे हैं, तो यानी हमने हराम खाया। कहते हैं ना, ज़कात निकालने से हमारा माल पाक हो जाता है, तो हम अपने माल को ज़कात ना निकाल के नापाक और हराम कर देते हैं, जिससे हमें बचना है और हमें पूरी पूरी ज़कात निकालना है। अब आइए हम चलते हैं हलाल कमाई की अहमियत की तरफ। अभी तो हमने आपको हराम कमाई की खबासतें बताई हैं, अब हलाल कमाई की अहमियत यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तिर्मिज़ी की हदीस है, कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मेरी रूह में ये बात डाली कि कोई शख्स दुनिया से जा नहीं सकता जब तक कि वो अपने हिस्से का रिस्क हासिल ना कर ले। तो अच्छे तरीके से ही हासिल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि कोई शख्स दुनिया से जा नहीं सकता जब तक कि वो अपने हिस्से का रिस्क हासिल ना कर ले, यानी सबको अपने हिस्से का रिस्क मिल के ही रहना है, तो अच्छे तरीके से ही हासिल करो। कहने का मतलब ये है कि हमारी किस्मत में 2000 रुपये आज हैं, आज हमें 2000 रुपये मिलेंगे, और वो हमारी किस्मत में मिल के रहेगा, वो कैसे भी मिलेगा, वो हमारे नसीब में आज लिखा हुआ है। अब हमारा काम यह है कि हम उसको अच्छे तरीके से हासिल करते हैं या गलत तरीके से, यानी हलाल तरीके से हासिल करेंगे या हराम तरीके से। जैसे भाई कोई भी काम के लिए निकला, अब उसकी किस्मत में आज 1000 रुपये हैं, अब वो 1000 रुपये चाहे तो मेहनत करके कमा ले और चाहे तो किसी की जेब काट ले। तो अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि वो हमें मिल के ही रहेगा, तो हम अच्छे ही तरीके से हासिल करें। अब एक चीज़ और है, कई बार ऐसा होता है ना कि अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना कि हर उम्मत का फितना एक फितना है और मेरी उम्मत का फितना माल है। कई बार होता है माल जो है, हम जब लोग कमाने के लिए निकलते हैं तो देखते हैं 10000 रुपये तो हमें मिलेंगे हराम तरीके से, लेकिन हम हलाल तरीके से कमाएंगे तो 2000 मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। तो इंसान चाहता है हम हराम तरीके से हासिल कर लें। अब इसमें दो चीज़ें हैं, देखिए, अगर हमारी किस्मत में आज 10000 रुपये है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हलाल ही तरीके से कमाएं। अगर हमारी किस्मत में आज 2000 रुपये हैं तो अगर हम 10000 हासिल कर भी लेंगे तो हम खा पाएंगे और उससे फ़ायदा उठा पाएंगे सिर्फ 2000 में, 8000 रुपये वेस्ट हो जाएंगे। वेस्ट कहाँ कहाँ हो सकते हैं, आ गए हमारे पास, कहीं गुम हो जाएगा, कभी खो जाएगा, कभी चोरी हो जाएगा, कभी हम एक्सीडेंट का शिकार हो जाएंगे, पैसा उसमें लग जाएगा, बीमारी में चला जाएगा, दवा में लग जाएगा, कहीं ना कहीं वो पैसा वेस्ट होना ही है, वो हमें लगना नहीं है हम पर, अगर हम हराम तरीके से ले आएंगे। और हमारी किस्मत में हलाल में बस दो हमारी किस्मत में सिर्फ 2000 रुपये थे तो 8000 रुपये हमारे काम नहीं आने वाले, वो हमसे चले जाएंगे, कहीं भी कहीं ऐसी जगह लग जाएंगे या गुनाह के कामों में हम लोग सर्फ कर देंगे। तो अगर हमें इस बात पर यकीन है, अपने नबी की, रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर यकीन है कि हर एक का रिस्क उसको मिल के रहना है, तो अच्छे तरीके से ही हासिल करो, तो हलाल ही तरीके से हासिल करें ना। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना कि सदक़े से माल कम नहीं होता। अब हमारे पास 5000 रुपये हैं, हमने 1000 रुपये सदक़ा कर दिया,
अब हम गिन रहे हैं तो 4,000 है, माल तो कम हो रहा है ना। अब क्या मानेंगे हम लोग, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेंगे या फिर अपनी काउंटिंग मानेंगे, बताइए। गिनने में तो 4,000 आ रहा है, 1,000 सदका कर दिया, माल तो कम हो गया, दिख तो रहा है ना कम। तो देखिए हमारी किस्मत में जितना माल लिखा है मिल के रहना है। 4,000 ही आज हमारी किस्मत में माल था, 5,000 था, हमने 1,000 सदका कर दिया, 4,000 हमने पूरा इस्तेमाल कर लिया, कम नहीं हुआ माल, इतना ही हमारी किस्मत में था। अब जो हमने 1,000 सदका किया उसका फ़ायदा अल्लाह के यहाँ बहुत बढ़ के मिलेगा, लेकिन जो हमारी किस्मत में आज मिलने को था 4,000, वो 4,000 हमारे ऊपर लग गया, माल कम नहीं हुआ। बात समझ आ रही है? तो अगर हम दीन को पकड़ के चलेंगे, अल्लाह के रसूल की बात मानेंगे, तो हम दुनिया की तरफ नहीं जाएंगे, यानी हराम से बच पाएंगे। कई बार ऐसा होता है ना कि हराम में बहुत ज़्यादा दिखता है कि बहुत ज़्यादा है, हम इसको हासिल कर लें। जैसे कि बनी इसराइल को सैटरडे को मछलियाँ पकड़ना मना था ना, लेकिन सैटरडे को ही मछलियाँ ऊपर आती थी ज़्यादा, तो ये उनकी आजमाइश थी। तो हमारे साथ भी आजमाइशें आती हैं, हराम ज़्यादा नज़र आता है, अगर हम हलाल पर टिके रहे और हम इस बात पर यकीन रखें कि हमें जो भी हमारी किस्मत में है वो हमें मिल के रहना है, तो हम हलाल ही तरीके से उसको हासिल करना चाहें तो हम हलाल तरीके से ही हासिल करें तो हमें मिल ही जाएगा। अगर हराम वाला माल हमने ले लिया और हमारी किस्मत में आज उतना था नहीं, तो वो वेस्ट ही हो जाएगा। और अगर हराम हमने ले भी लिया और हमारी किस्मत में 10,000 था और हमने 8,000 हराम कमाया और 2,000 हलाल कमाया, लेकिन हमारी किस्मत में आज 10,000 था तो हमने वो 10,000 में 8,000 तो हराम कमा लिया, अगर हम उसको हलाल तरीके से कोशिश करते तो हमें मिल के रहता वो 10,000, लेकिन हमारा काम क्या था कि हम उसको हलाल तरीके से हासिल करें। अब एक चीज़ और है, कुरान में बार बार कहा जाता है कि ये दुनिया धोखा है, धोखे का सामान है, तो जो हमें नज़र आ रहा होता है वो हमारी नज़र का धोखा ही होता है। असल में अल्लाह ताला हमें हलाल ही खिलाना चाहता है, हम धोखे में पड़ के गलत करते हैं, तो हम धोखे से बचें और हलाल पर जमे रहें। तो क्या बात आई कि हलाल, अरे हमारी किस्मत में जितना है मिल के ही रहेगा तो अच्छे ही तरीके से हासिल करें। दूसरी चीज़ है, हलाल में ही बरकत है। बरकत का मतलब क्या होता है कि थोड़े में ज़्यादा का फ़ायदा। अब अगर अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बल्कि हदीस है इसमें कि अलगिनाऊ फिल कल्बी वल फ़क्रु फिल कल्बी, गिना दिल में है और फ़क्र भी दिल में है। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम हलाल पर टिके और हलाल कमाई हमने कमाई और हलाल ही खाया तो उसमें बरकत है, यानी उसी से हमारा दिल सुकून में रहेगा, चैन में रहेगा, और हम बुरी चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे। और कई बार यही होता है कि जब हराम खाना शुरू करता है इंसान, खाने को तो मिलता है उसको जितना किस्मत में वो मिल जाता है, लेकिन बस ये है कि उसने हराम तरीके से कमाया है तो खा रहा है, तो उससे उसके आमाल खबीस ही निकलते हैं। यानी जब खबीस खाएगा तो खबीस निकलेगा, और अच्छा खाएगा, साफ़ सुथरा खाएगा तो नेक आमाल करेगा। तो बरकत क्या है, दिल को सुकून मिलता है, कम में हमारा सारा मतलब खर्च पूरा हो सकता है अगर हम दिल से मुतमईन हैं। मान लीजिए परेशानी तो आती है सबके साथ, लेकिन दो लोग हैं, एक परेशानी में बहुत परेशान हो रहा है, एक परेशानी में है तो परेशानी लेकिन मुतमईन है दिल से कि अल्लाह ने हमारे लिए जो लिख दिया है वो होना है। तो हलाल में बरकत होती है, अगर कोई बीमारी हो भी गई, कोई मुश्किल आ भी गई, तो वो मुतमईन होता है, उसका दिल सुकून में होता है। लेकिन जिसके पास हराम होता है वो बहुत हो के भी सुकून में नहीं होता। तो इस बात को हमेशा याद रखिए कि हलाल में ही बरकत है, और जितना लिखा है उतना मिल के रहना है। और एक बात और याद रखिए कि जब हराम कमाते हैं तो अलग रसूल की हदीस है ना कि जो जिस्म और खून हराम से पला होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, उसके लिए जहन्नम ही बेहतर है। तो इस बात को हमेशा याद रखना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और है कि क़यामत के दिन इंसान मैदान हश्र से उस वक्त तक हट नहीं सकता जब तक के अल्लाह के 5 सवालों का उस वक्त जवाब ना दे ले। उसमें से 2 सवाल माल के मामले में है, माल कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया,
तो अगर हम ये बात हर वक्त याद रखेंगे तो हम हलाल ही कमाएंगे, और हराम खाने की वजह से आज तबाहियां नज़र आ रही हैं, खबासत नज़र आ रही है कि लोगों का दीन में दिल नहीं लगता, दीन के काम में, दीन की बातों में, दीन के माहौल में। इसलिए कहीं ना कहीं हलाल हराम लोगों के अंदर जा रहा है। बहुत सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। अब देखिए ज़रा, हम लोग जैसे बरकत की बात आई है ना कि हलाल कमाई में बरकत होती है, तो हमें एक वाक्या याद आ रहा है। हमें ये बिल्कुल भी नहीं याद है कि वो हमें किसी ने बताया था या मैंने कहीं पढ़ा था, लेकिन ये हर घर की कहानी हो सकती है शायद, क्योंकि एक मोहतरमा थी, उन्होंने कहा कि हम जा रहे थे कुछ खाने के लिए, बच्चों ने डिमांड किया था पिज़्ज़ा खाने की, और हम लोग जा रहे थे पिज़्ज़ा खाने के लिए, और उस पिज़्ज़ा की कीमत थी 1100 रुपये। फैमिली में 4 मेंबर थे उनके, और 4 मेंबरों को वो 1100 का पिज़्ज़ा खा, तो इत्तेफाक़ से उस दिन उनकी कामवाली ने कहा कि 500 रुपये दे दीजिए, हम अपनी बेटी के वहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा लो, अब इन्होंने भी मांग लिया। अब आज बच्चों को खिलाने जा रहे थे, तो अब महीने का आखिरी टाइम था, यानी तनख्वाह कम में थी, तो फिर भी मजबूरी थी, तो उन्होंने दे दिया 500 रुपये, वो लेके चली गई। अब ये बच्चों को लेकर के खैर पिज़्ज़ा खाने गए, पिज़्ज़ा खा के आए, 1100 रुपये एक मर्तबा में निकल गए, और किसी का पेट नहीं भरा, सबने आके घर में खाना खाया, बस वो थोड़ा सा इन्जॉयमेंट था। जब वो काम वाली 500 रुपये लेके गई, और फिर वो दो तीन दिन बाद वापस आई, तो उन्होंने कहा कि तुम 500 रुपये लेके गई थी, तुमने किया क्या था उसका? तो उन्होंने गिनाया कि मैं अपनी बेटी के यहाँ जा रही थी, तो और उन्होंने 500 रुपये इसलिए मांगा था कि मेरी तनख्वाह से आप काट लीजिएगा, मुझे अभी दे दीजिए। उन्होंने कहा बेटी के घर जा रहे थे, तो मेरे दामाद को मिठाई बहुत पसंद थी, तो 100 रुपये की मिठाई ले लिया, और नवासों के लिए 40 रुपये के केले ले लिया, बेटी के लिए 60 रुपये की चूड़ियाँ ले लिया, और 100 रुपये किराए में खर्च हो गए, और 200 रुपये मेरे पास अभी भी बचे हैं। कहने लगी पूरी फैमिली को खुश भी कर दिया, 200 रुपये वापस भी बचा लिया, और हम लोग 1100 का पिज़्ज़ा खा के आ गए, फिर खाना भी खाया आके, घर में पेट भी नहीं भरा। तो अब बताइए बरकत कहाँ है? अलगिनाउ फिल कल्बी, गिना कल्ब में है, यानी अगर हम हलाल में मुतमईन होने वाले हैं तो हम थोड़े से में भी अपनी ज़रूरियात को पूरा कर लेंगे, ठीक है। और अल्लाह बरकत ऐसे भी डालता है कि हमारा पैसा वेस्ट नहीं होता, फिर कहीं फजूल जगह नहीं खर्च होता है, फिर काम काम की जगह खर्च होता है, और हम मुतमईन भी रहते हैं दिल से। और एक बात हम आपको और याद दिला दें, हम लोग बहुत इत्मीनान से कुछ भी खाते हैं, लेकिन ज़रा होश में खाइए, ये जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं ना, ये हमको पता नहीं क्या क्या खिला रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो हमारे खाने लायक नहीं होता है, ठीक है। हमने सुना है कि वेज में चिकन का पाउडर भी मिला के उसको टेस्टी बनाया जाता है, वेज आइटम्स, और बच्चे और घर के लोग बहुत टेस्टी, वेज तो है ना, बहुत टेस्टी है, चिली पोटैटो बहुत टेस्टी बनाते हैं वो, क्या पता चलता है क्या डालते हैं वो, चिकन का पाउडर। अब वो चिकन आपके खाने के लायक हो सकता है, हमारे खाने के लायक हो सकता है? सोचने की बात है, बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है। हमारे ईमान से खेला जा रहा है, और हम मुसलमान को होश नहीं है। अगर हम हलाल कमा भी रहे हैं, लेकिन हम खा कहाँ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, हमें इस बात पे भी पूरी नज़र रखनी है। और हम औरतें सबसे ज़्यादा हराम कमाने की तरफ मर्दों को मजबूर कर देती हैं। हमें पिज़्ज़ा खाना है, हमें बर्गर खाना है, तो हमें पता नहीं क्या क्या और महंगी महंगी चीज़ें, जिसमें कोई मतलब कुछ ख़ास मिले भी ना बल्कि और नुकसान हो, उसकी डिमांड। उसके अलावा बच्चों का नाम ले लेके, अब बच्चे भी ज़िद करने लगते हैं जब थोड़े से बड़े होते हैं, अब घर के मर्द हजरात बेचारे क्या करें, जब उनकी उतनी कमाई नहीं होती है तो फिर वो जाते हैं ना फिर हराम की तरफ मजबूरी में। तो ये हम औरतों के जो मुतालबात होते हैं ना, बहुत ज़्यादा होते हैं। हम लोग अपने मुतालबात को, अपनी ख्वाहिशात को लिमिट में कर लेंगे, तो हमारे मर्द हजरात जो थोड़ा कमाएँगे, हलाल कमाएँगे। और हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि हमें बदलना पड़ेगा,
हम औरतें अगर अपने मर्दों से ये कह दें, अपने घर के जो भी मर्द हैं, जो भाई हैं, शौहर हैं, वालिद हैं, कि हमको बस हलाल ही खाना है, हराम नहीं खाना है, और हमें भूखा रहना मंजूर है लेकिन हमें हराम खाना मंजूर नहीं है, तो यकीन मानिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके मर्दों को तौफीक देगा कि फिर वो हलाल पर ही रहेंगे, और उनको इस बात का इत्मीनान भी रहेगा कि भाई मेरे घर वाले हमारी तरफ से मुतमईन हैं, हम जितना भी ला रहे हैं उसमें मुतमईन हैं, तो फिर वो हराम की तरफ नहीं जाएंगे। देखिए बार बार इस बात को याद रखिए, जितना मिलना है मिल के रहना है, आपको अगर मिलना है तो मिल के रहना, आप ज़बरदस्ती के मुतालबात करेंगी तो हराम आएगा। आप मुतालबात ना कीजिए, अल्लाह के दिए हुए तमाम रिस्क पर खुश रहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करिए और हलाल की कोशिश में रहिए, हराम से बचने की पूरी कोशिश करिए, फिर अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा। वो दुआ है ना जो हम लोग पढ़ते हैं, जो अभी हमारी अरहमा बेटी ने पढ़ा, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफियन रिज़्कन तय्यिबन व अमलन मुतकब्बला। इस पे ज़रा गौर कीजिए कभी, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे सवाल करती हूँ, इल्मन नाफियन, नफ़ा बख्श इल्म का, फिर वरिज़्कन तय्यिबन। अब देखिए नफ़ा बख्श इल्म क्या है, जब हमें वो इल्म होगा जिससे हम हलाल और हराम में फ़र्क कर पाएंगे तभी तो हम रुकेंगे हराम से, हलाल की तरफ जाएंगे। तो नफ़ा देने वाले इल्म का सवाल करते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं रिज़्कन तय्यिबन, और तय्यिब यानी पाक रिज़्क, पाकीज़ा रिज़्क। तो जब हमें पता होगा कौन सा रिज़्क पाकीज़ा है कौन सा नहीं है तभी तो हम खाएंगे। अब क्या कहा जा रहा है, वह अमलन मुतकब्बला, और कबूल होने वाला अमल। जब हम पाकीज़ा ही खाएंगे तो हमारे आमाल, हमारी नेकियां कबूल होंगी, हमारी दुआएं कबूल होंगी। जब हम नापाक खाएंगे तो हमारी दुआएं कबूल नहीं होती हैं, हमारी इबादत कबूल नहीं होती है, तो हमें इससे बचना है। मिशकात की हदीस है, बहुत डराने वाली है, 2760 इसका नंबर है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स दूर दराज सफ़र पर है और वो गर्द आलूद है, बिखरे बाल हैं, और वो पुकारता है या रब्बी, सफ़र में दुआ कबूल होती है ना, और वो पुकार रहा है या रब्बी, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका कपड़ा हराम, तो उसकी ग़िज़ा हराम, तो ऐसे इंसान की दुआ कैसे कबूल हो। आप सोचिए, लोग इबादत कर रहे हैं लेकिन हराम खोरी कर रहे हैं, हराम तरीक़े से कमा रहे हैं, तो उनकी इबादत कबूल नहीं होगी, उनकी दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और जब हम हलाल खाते हैं तो दुआएं और इबादत कबूल होती हैं, और जब दुआएं और इबादत कबूल होती हैं तो अल्लाह तौफीक देता है तैयब पे रहने की। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई हराम खाए और मुत्तकी रहे, और अगर वो मुत्तकी हो भी गया यानी नमाज, रोज़ा और हज और उम्रे बहुत सारे कर रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं अगर वो हराम खा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फिर उसकी दुआ कैसे कबूल हो जबकि उसका सब कुछ हराम का है। तो हमें बहुत सोचने की और बहुत फ़िक्र की ज़रूरत है। एक मोमिन ऐसा नहीं होता कतई कि वो कुछ भी खा ले और कैसे भी ज़िंदगी गुजारे, बल्कि मोमिन और काफिर में फ़र्क ही यही होता है कि काफिर अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारता है और मोमिन अल्लाह की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारता है, अल्लाह के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हराम से महफूज कर दे और हलाल पर हम लोगों को मुनहसर कर दे, यानी हम सब हलाल खाने वाले हों और हराम से बचने वाले हों, और अल्लाह ताला हम सब को की दुआएं और हम सब की इबादत को कबूल करे, और अल्लाह ताला हम सब को हर तरह से, हर तरह से, हर हराम काम से, हराम आमाल से, हराम खाने से अल्लाह अपनी हिफाजत में करे, और हमारे दिलों को पिघला दे कि जो अल्लाह ने हमारे लिए मैसर किया है हम उसमें खुश रहें और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें, ताकि अल्लाह ताला हमारी तरफ भी मुतवज्जो हो और हमारी दुआओं को कबूल करे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकिल्लाहु खैरन कसीरा सिस्टर, रियली एन आई ओपनर रिमाइंडर फॉर अस। बरकल्लाहु फीक।
बहुत वाज़े तौर पर हमने जाना कि आखिर जो चीज़ें हलाल हैं वो क्यों हलाल हैं और जो हराम हैं वो क्यों हराम हैं, और आज उनके नुकसानात, उनकी खबासत साइंस भी बयान कर रही है। और आज इंसान हराम चीज़ों में मुलव्वस होकर न सिर्फ अपनी सेहत, अपनी दुनिया, बल्कि अपनी आखरत भी बर्बाद कर ले रहा है। अल्लाहु अकबर। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हान व तआला हमको तौफीक दे कि हम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ हलाल के दायरे में ही गुजारें और हराम से कोसों दूर रहें। इंशाअल्लाह, आमीन। एंड माय डियर सिस्टर्स, आप लोगों के लिए एक बहुत ख़ास अनाउंसमेंट है, वो ये है कि जो हमारा नेक्स्ट मंथ आने वाला है नवम्बर, उसका जो फर्स्ट संडे प्रोग्राम, यानी जो ये हर मंथ के फर्स्ट संडे प्रोग्राम होता है, वो नहीं होगा। उसके बदले नवंबर में ही 13 तारीख को, यानी 13 नवंबर को तकवा इस्लामिक स्कूल का एनुअल डे आईने मुस्तकबिल सेलिब्रेट किया जाएगा इंशाल्लाह। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है, इनविटेशन है आप सबको कि आप लोग ज़रूर आइएगा और साथ में अपने सारे जानने वालों को, अपने घर वालों को ज़रूर और ज़रूर लेकर आइएगा इंशाल्लाह। और इसकी नोटिफिकेशन आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته